हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए दो बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, जिनको जानना सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका असर उनकी इस मंथ की सैलरी और पेंशन पर सीधा सीधा पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार जो है चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद जो मिनिमम एज है पेंशन में बढ़ोतरी की, वो 65 साल से कर सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो मिनिमम एज है पेंशन में बढ़ोतरी के लिए, बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी के लिए, वो 60 और वो 80 ईयर्स है। 80 साल के बाद ही आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होती है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि 65 साल में पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है, तो उससे पेंशनर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और ऐसा वाकई में अगर होता है तो पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर होगी। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उनके अगर माने तो पेंशनर्स के लिए 65 वर्ष से 5% तक की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है, जैसे 60 से 65 साल के बीच में 5% की, 65 से 70 साल के बीच में 5% की, और 70 से 75 साल के बीच में 5-5% की बेसिक बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा वाकई में होता है तो पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, कि हर 5 साल के ब्लॉक में 5% बढ़ोतरी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको के हिसाब से हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी आपके हिसाब से कैसी बढ़ोतरी है, क्या इसमें कमी होनी चाहिए या क्या इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं DODR के बेसिक में मर्जिंग को लेकर के। अभी आपको पता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा भी कई दिनों से पब्लिश नहीं किया गया था, जिसके चलते अब ये बात होने लगी है कि मीडिया में ये बात होने लगी है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स कर्मचारियों का जो DODR है, क्या वो मर्ज होना चाहिए। तो मर्ज अगर उसमें होता है तो आपको ये जुलाई महीने से पहले ही मर्ज हो गया है, और लेकिन 50% पर आपको ये प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। 50% के बाद ही, जब इसमें DODR का बेसिक के मर्जिंग के बाद ही आपको इसमें प्रोवाइड कराया जा सकता है। लेकिन अगर ये DODR मर्ज होता है तो आपको, जैसे 5th CPC में ये मर्जिंग हुआ था और उसमें एक्स्ट्रा परसेंट 11% दिया गया था, तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा होगा वो उसको आपको ऐड करके दिया जाएगा, आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो अभी जब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा पब्लिश नहीं हो रहा है, तो इसमें सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। इससे पेंशनर्स को आगे हो सकता हो बेसिक में मर्ज कर दिया जाए, या और भी कोई सारे उसमें फॉर्मूले से ऐड हो सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको।